सबका साथ सबका विकास, इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने के लिए नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश के 125 करोड़ नागरिकों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही है। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है, यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हम एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। 2017 में गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं, 1-2 कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर 1-2 नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। अब किसान भाइयों के हित में कुछ और अहम निर्णय भी लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसाइटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी से किसानों को और ज्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए उपाय किए गए हैं। नाबार्ड ने पिछले महीने 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, अब सरकार इसे लगभग 2 गुना करते हुए इसमें 20,000 करोड़ रुपए और जोड़ रही है। इस रकम को नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटीज को कम ब्याज पर देगा और इससे नाबार्ड को जो आर्थिक नुकसान होगा उसे भी सरकार वहन करेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदल दिया जाएगा तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद बिक्री कर पाएगा। सरकार ने तय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया करेगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को
ये गारंटी देती हैं कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अब तक यह नियम था कि 1 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था, अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से दिया गया लोन भी इसमें कवर होगा। सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदार, छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलेगा, गारंटी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने के कारण इन पर ब्याज दर भी कम होगी। सरकार ने बैंकों को यह भी कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट को 20% से बढ़ाकर 25% करें। डिजिटल माध्यम से हुए ट्रांजैक्शन पर वर्किंग कैपिटल लोन 20% से बढ़ाकर 30% तक करने को कहा गया है। जो कारोबारी साल में 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार करते हैं, उनके टैक्स की गणना 8% आय को मानकर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारी के डिजिटल लेन देन पर टैक्स की गणना 6% आय मान करके की जाए। अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, सीधी उनके खाते में जमा की जाएगी। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक स्कीम शुरू करने जा रही है। बैंक में ज्यादा पैसा आने पर अक्सर बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों पर इसका प्रभाव ना हो, इसलिए 7.5 लाख रुपए तक की राशि पर 10 साल तक के लिए सालाना 8% का इंटरेस्ट रेट ब्याज दर सुरक्षित किया गया। ब्याज की यह राशि वरिष्ठ नागरिक हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के नाम पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पूरी तरह एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म भीम लॉन्च किया है। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। मैं देश के युवाओं से, व्यापारी वर्ग से, किसानों से आग्रह करता हूं कि भीम से ज्यादा जुड़े।